थोड़ा सपोर्ट कर दो गाइस, ज़्यादा नहीं, सभी लोग थोड़ा, सभी लोग अगर सपोर्ट कर दो तो हम लोग शायद आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा बहुत आगे तो बढ़ ही जाएंगे। आप लोग सपोर्ट कर दो हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। अज्जी सलाद में हम यहाँ पे बैठे हैं, पागलों की तरह पार्क में बैठा हुआ हूँ, बाबू नहीं है पास में, बहुत बेकार लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेखा दीपक ब्लॉग्स। गुड मॉर्निंग, क्या 1:03 हो चुके हैं और इस वक्त देख सकते हैं इस वक्त का सीन कहाँ पे हूँ मैं, कि मैं बैठा हूँ, एक कुर्सी है जो कि देख सकते हैं आप, ज़्यादातर पार्क में मिलती है कुर्सी, और मैं पार्क में ही बैठा हूँ फ़िलहाल तो। और रेखा नहीं है पास में आज, क्योंकि वो गई है कंपनी, आज बाबू गई कंपनी गई हैं। और यार आज हम लोग इतने परेशान हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि गाइस समझ में नहीं आ रहा, हमें दिमाग काम नहीं कर रहा है, 3-4 दिनों से इतने डिप्रेशन में चल रहे हैं हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करें क्या नहीं करें, कहीं से यार मतलब कोई सपोर्ट ही नहीं, काम करने करते करते इतने दिन हो गए हैं, पता नहीं कंपनी में काम करने का भी मतलब, कंपनी में काम चल रहा है तो चल ही रहा है, कभी कभी कंपनी से ही मन उब जाता है, कोई बोल देता है या कुछ हो जाता है दिक्कत, तो फिर काम करने में भी दिक्कत होती है। और कुछ सोच के हमने यूट्यूब चैनल बनाया था, शायद सपोर्ट मिलेगा लोगों का, प्यार मिलेगा, बट अभी तक तो फ़िलहाल इतना सपोर्ट और इतना प्यार नहीं मिला है हमने, क्योंकि हमें विश्वास हो सके, मतलब कि ऐसा कुछ विश्वास होता कि वहाँ से अगर बंद हो जाता है इनकम आना चाहे काम, तो हाँ चलो यूट्यूब पे है वीडियो बना के, चाहे कुछ भी लोगों से मतलब मिलजुल के मतलब काम चलेगा, एक यूट्यूब ब्लॉग के थ्रू मतलब ब्लॉग ही ब्लॉग चैनल बनाया, कुछ सपोर्ट नहीं उतना, और इतने परेशान में हैं हम लोग, इतने परेशान हैं कि बता नहीं सकता गाइस। आज 3-4 दिनों से डिप्रेशन में काम को लेके, कि एक जगह से काम छूट गया था हमारा, फिर दूसरी जगह काम ढूंढने पर वहाँ पे काम ढूंढें, काम चल रहा है, और बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से जाने का मन नहीं किया, ना बाबू गई थी ना मैं गया था 1-2 दिन, और आज हार मान के बाबू का भी जाने का मन नहीं था आज काम पर, मेरा तो मन था ही नहीं बिल्कुल भी, और जो कि वही है जो मन नहीं हुआ तो मैं पार्क में बैठा हुआ हूँ, अगर मन हो जाता तो कंपनी में होता तो शायद ये ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाता, क्योंकि कंपनी में रहो 11-12 घंटा कंपनी में रहो तो फिर ब्लॉग के लिए टाइम नहीं मिल पाता, और जब ब्लॉग के लिए टाइम निकालो तो फिर कंपनी से छुट्टी होती है, तो यही सब सोच के दिमाग ख़राब है बिल्कुल, क्या करें कैसे सपोर्ट करें। तो गाइज आप लोग से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जब भी हमारी ब्लॉग आए दिन में 11 बजे तक, शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक हमारी ब्लॉग आ जाती है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना हमें, आगे दिखाई देगा कितने का टारगेट है, प्लीज़ हमारे उस टारगेट तक कंप्लीट करवा दो आप लोग, आप लोगों से हाँ। हाथ जोड़ के दिल से विनती है, दिल से प्यार मांग रहे हैं हम लोग, प्लीज़ सपोर्ट करो हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी में बता नहीं सकते, अब इससे अंदाज़ा लगा लो कि बाबू मेरी कंपनी गई है काम करने के लिए आज, और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरा मन बिल्कुल रूम पे भी जाने, कमरे पे जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और सुबह बाबू के संग 1-2 रोटी खाया था, फिर उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही, मन नहीं लगता बिल्कुल भी, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो आप लोग, कि हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो आप लोग प्लीज़। एक क्या होता है पता है, कोई इंसान किसी फील्ड में अगर काम करता है, काम दिल से करता है, मान लो कोई कमी भी होती है, कोई बताने वाला ना रहे, कोई समझाने वाला, कोई देखने वाला ना रहे ना, तो उस इंसान का काम करने का मन बिल्कुल ही नहीं करता, काम में मन लगते नहीं, और 4-5 लोग देखने वाले हों, समझाने वाले हों कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो काम करने का बहुत मन करता है, कि चलो कोई हमें समझाने वाला है, कोई सपोर्ट करने वाला है, पर यार हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो बेकार से लगा हमें हमारे पास अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा परेशानी में हम लोग, इस चीज़ से आप लोग दिखाई दे रहा होगा, कि अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि देख सकते हैं हमारी पूरी वीडियो देख के, और हमारी जो लाइफ स्टाइल हम लोग आपको दिखाते ही हैं, और बाबू कंपनी में 11-12 घंटा काम, जो इंसान कभी कंपनी नहीं देखा हो, आज वो कंपनी में काम कर रहा है इंसान, तो इस चीज़ से आप लोग अंदाज़ा लग, सॉरी गाइस, इस चीज़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, पता है भूख के मारे और गर्मी इतनी है पार्क में बैठा हुआ, प्यास के मारे वो भूख और प्यास दोनों लगी पड़ी है, ओट सूखा पड़ा है, ये आवाज़ भी देख सकते हो, जीभ भी चिपक रही है बोलने में,
ब्लॉग बनाने को आज मूड नहीं था, पर फिर भी अकेले बैठा हुआ था, समझ में एक बज चुका है गाइस, सुबह से बैठा हूँ पार्क में। ब्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था, फिर भी सोचा ब्लॉग डालना भी ज़रूरी है, नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं कि भैया आपकी ब्लॉग नहीं आई, तो ब्लॉग डालना भी ज़रूरी है। क्योंकि हमने ब्लॉग डालने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया था कि हम लोग डेली ब्लॉग डालेंगे डेली, पर क्या करें टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल ही। टाइम उधर देते हैं तो इधर का चला जाता है, अगर वहाँ से यहाँ टाइम देते हैं तो फिर वहाँ का चला जाता है। तो गाइस यही सोच के डिप्रेशन में हम लोग हैं कि क्या करें, कैसे यूट्यूब पे आगे बढ़ें। और बहुत से लोग ये कहते हैं भैया आपकी वीडियो कब आती है, कब चली जाती है, हमें पता ही नहीं लगता कब आती है। तो गाइस क्या करें, यही सब चीज़ें सोच के हम लोग परेशान में हैं। और बाबू ने ये कहा कि मैं काम करती हूँ। अच्छा गाइस आप लोग ये बताना कि मतलब ये चीज़ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाबू ने ये कहा है रेखा ना कि मैं काम कर रही हूँ और तुम ब्लॉग बनाओ। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा लग रहा है कि मुझे तो खैर बेकार लग रहा है, क्योंकि बाबू काम करेगी अकेले कंपनी में और मैं रूम पे रहूँगा, तो मुझे इस चीज़ को लेके थोड़ा बेकार लग रहा है। और फिर भी अगर मेरे दिमाग में ये बात आ रहा है कि अगर मान लो मैं कमरे पे रहता हूँ और ब्लॉग बनाता हूँ अकेले, फिर भी ब्लॉग कहाँ तक बनाएंगे, कहाँ तक क्या करूँगा मैं। अगर ब्लॉग को टाइम देता हूँ तो बाबू अकेले कंपनी में, क्योंकि खाने पीने के लिए पेट पालने के लिए रुपया तो चाहिए। तो आप लोग को पता ही है गाइस, जब से लव मैरिज किया हम लोगों ने तब से हम बाहर ही हैं, घर दो हम घर से कोई मतलब नहीं घर वालों से, क्योंकि घर पे हम जाते नहीं हैं, ना बात होती ना कि कोई सपोर्ट नहीं। तो गाइस एक सपोर्ट सहारा यही है कि सब लोग वीडियो देखते होंगे, हमारे घर वाले भी वीडियो देखते होंगे, सब लोग वीडियो देखते होंगे। तो ये कि आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म चुना था हम लोगों ने, पर यहाँ भी हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो गाइस हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि इससे अब ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे तो फिर हमें बहुत दिक्कत होगी, तो इससे ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते गाइस। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आज मन इतना उदास है कि मैं बता नहीं सकता। इतनी धूप में पार्क में बैठा हुआ हूँ मैं, पार्क में कोई नहीं है, गिने चुने लोग हैं, कुन्ने कुन्ने में बैठे हुए हैं बस, और बाकी दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सामने एक स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद छुट्टी हो गई, 1 बजे छुट्टी हो गई है, और कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे आँख से आंसू आ रहे थे, पता अकेले बैठा हुआ था अच्छा नहीं लग रहा था। एक बार फ़ोन किया बाबा के पास कंपनी में, तो कह रही काम कर रही हूँ मैं, लंच खाना खा लेना। तो 1 बज गया, फिर अभी तक मैंने कॉल नहीं किया, तो ये थोड़ा ब्लॉग बना लूँ, फिर उनके पास कॉल करके पूछता हूँ मैं। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना हमें, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट कर दो। पूरा का पूरा टाइम हम लोग यूट्यूब पे लगाएंगे, हम दोनों लोग पूरा का पूरा टाइम यूट्यूब पे लगाएंगे, खूब बढ़िया। अगर हमसे कोई गलती भी हो रही होगी वीडियो बनाने में, या हमारी वीडियो अच्छी भी नहीं लग रही होगी, तो गाइस अगर हमें कुछ दिखाई देगा, कोई लोग समझाएंगे, कोई बताएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो हमारा भी दिमाग खुलेगा। कुछ लोग बताएंगे ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, या फिर कोई कहेगा ऐसी वीडियो बनाओ, ये वाली वीडियो डालो, वो वाली वीडियो डालो, तो एक इंसान का मन लगता है काम करने में। तो अभी हमसे कोई सवाल नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं होता, तो बाबू का मन भी हट जाता है, फिर मेरा मन भी हट जाता है, फिर मैं सोचता हूँ नहीं, जब प्लेटफॉर्म चुन लिया है आगे बढ़ने का, हमने डिसाइड सेलेक्ट कर ही लिया है, तो फिर इसी चीज़ पर हमें प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ना है। तो गाइस प्लीज़ आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, दिल से आशीर्वाद मांग रहे हैं, दिल से प्यार मांग रहे हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है। और आज बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है कि पार्क में अकेला बैठा हुआ हूँ मैं, और बाबू मेरी मेहनत कर रही है कंपनी में, आज ये बिल्कुल ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, प्लीज़ हमें सपोर्ट करना। और ये वाली वीडियो मैं आज शाम को डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना, देख के प्लीज़ जितने लोग देखेंगे सारे लोग एक एक बार शेयर कर देना अपने अपने फ्रेंड के पास, अपने दोस्तों के पास, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब चीज़ पे आप लोग शेयर कर देना प्लीज़, हमारे टारगेट पूरा करवा दो आप लोग। आप लोग को दिल से धन्यवाद रहेगा, दिल से धन्यवाद करता हूँ प्लीज़। और जहाँ तक हो सकेगा जो लोग मिलेंगे, जो लोग जहाँ मिलना चाहेंगे वहाँ मिलने की कोशिश करेंगे हम लोग, प्लीज़ आप लोग इतना सपोर्ट कर दो हमें, क्योंकि सारे लोग आगे इस प्लेटफॉर्म पर जितने लोग आगे बढ़े हैं सभी लोग को देखते हैं, तो हमारा मन बहुत व्याकुल हो जाता है, मन दिल रो जाता है हमारा कि हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। बाबू वो हमसे पूछती है, मैं उनसे पूछता हूँ, फिर यही सोच के हम दोनों लोग फिर रो जाते हैं, बिल्कुल ही समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं, कहाँ से लाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता मैं। और भूख के मारे गए हालत ख़राब है, फ़ोन करके पूछता हूँ बाबू ने खाना खा लिया कि नहीं खाया अभी, फिर आप लोग से मिलता हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सपोर्ट कर दो गाइस, ज़्यादा नहीं, सभी लोग थोड़ा, सभी लोग अगर सपोर्ट कर दो तो हम लोग शायद आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा बहुत आगे तो बढ़ ही जाएंगे। आप लोग सपोर्ट कर दो हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। आज जिस हालात में हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं पागलों की तरह पार्क में बैठा हुआ हूँ, बाबू नहीं है पास में, बहुत बेकार लग रहा है।
बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ मैं। तो गाइस बाबू ने खाना वाना तो खा लिया है और लंच आराम कर रही है बाबू लेट के। मैंने अभी बात किया कंपनी में और मैं भी जा रहा हूँ कमरे पे क्योंकि पार्क में कोई भी नहीं है, फिर इधर का माहौल भी थोड़ा ख़राब है। आप लोग इस वीडियो का सपोर्ट कर देना प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को इतना शेयर करना, इतना शेयर करना कि प्लीज़ मेरे वीडियो बनाने का आज का मतलब पूरा हो जाए कि हाँ आप लोग का सपोर्ट मिला है गाइस। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, 7 बजे वीडियो आएगी है, आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर कर देना। दूर दूर तक आप लोग शायद दिखाई दे रहा होगा, पार्क में कोई नहीं है, चारों तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ मैं। इस पार्क में पूरे में अकेले में ही बैठा हुआ था, देखो कोई नहीं है पार्क में दूर दूर तक। और अब मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है। तो गाइस अभी आ गया मैं रूम पे, अपने कमरे पे आके अभी बैठा ही हूँ हाथ पैर धो के, और अभी पंखा चालू किया क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी बहुत ज़्यादा। हाथ पैर धोया तो मेरे आँख में पता नहीं इसमें क्या गिर गया, लाल खुजली बहुत हो रही है पलकों में। तो गाइस इस वीडियो को अगर ये वाली वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, मेरी अच्छी लगी हुई बनाई हो, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना हमें और हमें इतना विश्वास दिलाना, इतना विश्वास हो जाए ताकि हम लोग कुछ कर सकें। पता है गाइस यहाँ पे बहुत से लोग अभी हमारी वीडियो देखे, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों को बहुत मज़ा आता होगा, मतलब बहुत मज़ा टाइप में आता होगा क्योंकि क्या बताएं, एक तो हमने लव मैरिज करी है और फिर ऊपर से घर वालों से दूर रहते हैं, सबसे दूर हैं हम लोग, इतनी दूर हैं सब लोगों से दूर रहते हैं और पीछे बैकग्राउंड से कोई सपोर्ट नहीं, कोई नहीं चाहता हमें। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पूरी पूरी रात रोते बीत जाती है, पर ये सब बताता नहीं, बताने से पता है क्या होता है कि बहुत से लोग मज़ा लेने वाले हैं, बहुत से लोग कमेंट करने वाले हैं मज़ा लेके, तो इसलिए ये सब वीडियो नहीं डालते हम लोग। कोई बात नहीं, आपस का दुख हम लोग आपस में ही रख लेते हैं, घर में ही रख लेते हैं। तो ये वाली जो वीडियो बनाई है तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना क्योंकि कुछ उम्मीद से मैंने वीडियो बनाया था ये, क्योंकि सुबह से पार्क में बैठा हुआ था, वीडियो बनाने का ब्लॉग बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं था, पर ये लास्ट में मैंने ब्लॉग बना लिया, क्या मेरे दिमाग में आया। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना हमें। और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, कब टाइम मिलता है, कौन सी ब्लॉग आता है, जब भी ब्लॉग आएगी या तो दिन में 11 बजे ब्लॉग आएगी हमारी या तो फिर शाम को ब्लॉग आएगी 7 से लेकर 8 बजे के बीच में। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना हमें, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।